मुख्यमंत्री भूपेन्द्र भाई पटेल हस्ते आज राजकोट महानगरपालिका कचेरी खाते योजना टूंका कार्यक्रम में वधु 25 इलेक्ट्रिक बस ने लीली झंडी आप तेमज दिवाळी सुधीमां नवी 25 बस ते बाद 50 बस अने भविष्यमां वडाप्रधाननी नवी ई बस योजना हेठळ पण महानगरने बस मळवानी होवाथी थोड़ा ज समयमां राजकोटमां मास ट्रांसपोर्टेशन अमदावाद अने मुंबई जेवुं सफळ थई जशे तेवी धारणा छे। तेमज फ्रेम इंडिया स्कीम फेज 2 अंतर्गत राजकोट माटे प्रथम तबक्कामां 50 इलेक्ट्रिक बस मंजूर करवामां आवता जे तमाम इलेक्ट्रिक बस हाल राजकोट महानगरपालिकानी जाहेर परिवहन सेवामां उपयोगमां छे, ज्यारे बीजा तबक्कामां 100 इलेक्ट्रिक बस मंजूर करवामां आवी छे, जे अंतर्गत ई बसनी एजेंसी द्वारा पूरी पाड़वानी थती कुल 100 इलेक्ट्रिक बस पैकी हाल प्रथम तबक्कामां 25 इलेक्ट्रिक बस पूरी पाड़वामां आवी छे, जे रस्ता पर दौड़ती करीने आटली संख्यामां डीजल बस परत खेंचवामां आवी छे, तेनाथी पर्यावरणनुं जतन पण थशे। राजकोट महानगरपालिका खाते गुजरात राज्य आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्रभाई पटेल पधार्या था। एम हस्ते राजकोटवासी ने जन्माष्टमी भेट रूपे 25 ई बस लोकार्पण करू है। आता दिवसों में आ ई बसों राजकोट राजमार्ग पर जैसे आ कुल मड़ी ने आश्रे 3500 करोड़ रुपया खर्चे आ बड़ी ई बसों लोकार्पण आज राजद्रो में गई स्टेडिंग में ज राजकोट महानगरपालिका स्टेडिंग कमिटीए निर्णय लीधो है। जी रीति ने देश आदरणीय वडाप्रधान श्री नरेन्द्र भाई मोदी साहेबे 15 ऑगस्ट एम भाषण में उल्लेख करो तो 10,000 बसों आगामी दिवसों में समग्र देश में लोग आपवाना छे। एना भागरूपे राजकोट महानगरपालिका ने पण आश्रे 100 बस मळवा जई रही छे अने एने अनुसंधाने जे काई पण कमिटमेंट नो ठराव करवानो एक ज स्टेडिंग में राजकोट महानगरपालिका स्टेडिंग कमिटीए बाली।